पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते उजानपुर पठानकोट पर पड़ते गांव कोठे मनवाल का पुल बारिश के चलते बह गया और कई गांवों का संपर्क एक दूसरे के साथ टूट गया। जानकारी के चलते ये पुल पिछले 6-7 साल से टूटा हुआ है, जिसके चलते लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों व लीडरों से मिलकर इस पुल को बनवाने की मांग की, मगर किसी ने आज तक नहीं सुना। वही गांव के लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे कर बरसातों के दिनों में इस पुल पर मिट्टी डलवा देते हैं ताकि उनको आने जाने में मुश्किल ना हो, मगर सरकारें दावे करती हैं कि हम पंजाब में विकास करवा रहे हैं, मगर यहां विकास कार्यों की हवा निकलती साफ देखी जा सकती है। देखो जी, कहना की है ते काफी सानू इतने दिक्कत आ रही है पुल की, क्योंकि 6-7 साल तो बर्बाद हो जा पुल है, पहले ही टूटिया ही आपे बीच लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करके जो बरसात आदि ने उदो पुल टूट जाता है और थोड़ा जहा अपना कंट्रीब्यूट करके थोड़ी मिट्टी मुट्टी पा के चालू कर देने, वह भी इस करके चालू किया जाता है कि इस रोड के उत्ते घट्टो घट 10 पिंड 11 पिंड लगते हैं, जिन्हों के स्कूल जाने वाले बच्चे और प्लस अपना जिन्हें भी कर्मचारी ने वो सारे इतों लंघते हैं, उन्होंने ज़्यादा तकलीफ ना हो इस करके कह, लेकिन सरकार जड़ियाँ वो बिल्कुल इस अपने साड़ी समस्या वाल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। कभी लीडर ने ध्यान नहीं लिया महाराज, लीडर अं घर घर जाके हर एक लीडर के घर घर जाके उन्हें अगे अं रिटर्न के भी और मौखिक भी अं उन्हें कह चुके हैं कि आके घट्टो घट साडे उत्थे जिहड़ी समस्या है मौके पर आओ, मौके पर आके साडी समस्या का निदान किया जाए, लेकिन हाँ हाँ और वादा कर देंगे न, लेकिन वो बाद इतने आता कोई आम आदमी पार्टी सरकार हूँ बनी है। आम आदमी पार्टी तो काफ़ी लोगों को आशा सी, सानू भी आस सी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो साड़ी समस्या निदान साड़ी समस्या का निदान करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा हों दिखाई दे रहा नहीं है। सरकार दावे करती विकास करवाते पे, विकास तो सानू आज तक कितने लभा नहीं, पता नहीं वो किड्डा वड्डा हो गया साढ़े सामने आएगा, लेकिन अं तो अपना विकास देखते हैं कि साडे इस रोड के उत्ते साडे इस समस्या का निदान करने वास्ते कोई भी सरकार का नुमाइंदा या पोलीटिकल बंदा कोई भी अगे नहीं आ रहा। पन्ना जी की कहना है? अं कहना चाहते महाराज इस पुल बनना चाहिए, टोकर 6-7 साल हो पुल के काम लगते, कोई अज तक आते भी पैसा आया पुल का, कोई पैसा लभा नहीं है, इतने कोई लाया नहीं किसी ने, वो सारा पैसा चले गया वापस, 3-4 सरकार आ गई, कोई सू लभे कोई काम करते, वोट मंगने आ जाते वोटा मंगते हैं, कोई ये नहीं सू लगता भी पुल किसी ने बनाया, इन्नी आओ जाइए सियापुर रोड से पठानकोट में कोई काम नहीं, कोई दिखाया नहीं इतने आने, सर मरपुर रोड सब टुटिया, सियापुर रोड सारा टुटिया, कोई इतने सू कोई लभा नहीं कोई काम होता, सरकार कहीं विकास करवा, कोई विकास नहीं लभे करते सू जी, विकास कहें विकास कोई लभ नहीं सू कड़ा काम करे करते थे। किन्ने समय तो टुटिया पे? 6-7 साल हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी, तुम आते जाते देखते हो, इन्नी लोग आओ जाइए इस रोड से, कोई पुल नहीं कोई काम नहीं लगा जी। की अपील की करना चाहते हो? अभी कहना चाहते भी सरकार को एक करना चाहिए, MLA को सारे को दौड़े भजे हाँ, किसी ने अगर देखिया नहीं सुनिया नहीं है। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.